Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. So let us start with the next part of the chapter number nine, that is rubber. Okay. First of all, mention day and date. Don't forget it. Clear. So now we will talk about rubber. This is on page number sixty-two. Okay. रबड़ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल रबड़ इन द वर्ल्ड इंडिया जो हमारा है ये थर्ड नंबर पे है रबड़ प्रोड्यूस करने में ठीक है रबड़ ट्रीज रिक्वायर अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट इसके लिए गर्म और गीला जो वेदर है हमें दोनों ही चाहिए रबड़ इज प्रोड्यूस्ड फ्राम लेटेक्स दैट इज एक्सट्रैक्टर फ्राम द ट्रंक्स ऑफ रबड़ ट्रीज जो रबड़ है वो ले, लेटेक्स से बनता है ठीक है जो लेटेक्स है वो कहाँ से पैदा होता है रबड़ के ट्रीज़ की जो ट्रंक्स होती हैं ब्रांचेस होती हैं उससे वो कैसे वो बाद में आपको पिक्चर दिखाती हूँ द मेजर रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु तो ये तीनों प्लेसेस हैं ठीक है आप याद रखना कि कॉफ़ी जो हमने कल किया था कॉफ़ी भी इन तीन प्लेसेस पे ही होती है और रबड़ भी इन तीन प्लेसेस में ही पैदा की जाती है नाउ लुक एट पिक्चर कलेक्शन ऑफ नेचुरल रबड़ फ्रॉम अ रबर ट्री ये रबड़ ट्री से नेचुरली रबड़ कलेक्ट करने का तरीका है देखो ये ट्री है ऐसे ये वाइट वाइट रबर निकल रही है उसमें एक बास्केट हमने लगा दी तो सारे उसके अंदर जो है एंटर हो रही है ठीक है तो इस तरीके से हम इसे पैदा करते हैं और मैंने आपको लेटेक्स बताना था क्या होता है ये एक इसके साइड पे अब हम लिख लेते हैं वाइट लिक्विड होता है ठीक है जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना बास्केट में वाइट लिक्विड एंटर हो रहा है तो ये क्या है लेटेक्स और ये रबड़ के ट्री से निकलता है नेक्स्ट है कॉटन कॉटन के कपड़े हम डालते हैं सूती कपड़ा जिसे बोलते हैं इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड फोर्थ नंबर पे हैं हम कॉटन पैदा करने में इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड ब्राइट सनशाइन बिफोर हार्वेस्टिंग तो इसे गर्म और वेट जो क्लाइमेट है वो चाहिए ग्रोथ के टाइम और हार्वेस्टिंग के टाइम हार्वेस्टिंग से पहले सनसाइन वाला जो ब्राइट न, मौसम होना चाहिए कॉटन ग्रोज इन गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश तेल तेलंगाना एंड तमिलनाडु ये सारी स्टेट्स में कॉटन पैदा की जाती है इंडिया भी इसमें इंक्लूड है और पिक्चर में आप देख लो ब्लूम्ड कॉटन बर्ड्स इन अ फील्ड तो ये कॉटन बर्ड्स हैं मतलब कि प्लांट्स हैं उस कॉटन ऐसे पैदा होती हैं तो इसे लोग जो हैं इससे प्लांट से अलग कर लेते हैं कॉटन को और उसे फिर फैक्ट्रीज़ में मॉडिफाई करके जो हम लेते हैं मार्केट से वो जो कॉटन है हमारे तक आ जाती है ठीक है तो कॉटन जो है वो हम लोग कॉटन की वैसे घर पे लेकर आते हैं ठीक है रूम जिसे बोलते हैं वैसे भी हमारे काम आती है और इससे के जो कॉटन के कपड़े भी तैयार किए जाते हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट है जूट इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड आफ्टर बांग्लादेश बांग्लादेश पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे इंडिया है जो जूट पैदा करता है इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स कलर इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्यों क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा होता है जूट का इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट इसे भी हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए इट ग्रोज़ मेल इन द बेस्ट बंगाल असम बिहार एंड उड़ीसा जे फोर स्टेट्स हैं यहाँ पे जो जूट है वो पैदा किया जाता है और जूट जो है वो भी आपको बता दूँ कि उसके भी कपड़े जो हैं बनते हैं इवन के जो हम बैग्स वगैरह जूट के बैग्स भी बनते हैं जैसे कैरी बैग आ, ठीक है जिसमें हमारे कई बार जो जॉब करते हैं जिनके मम्मी पापा तो वो उसमें अपना टिफ़िन वगैरह डाल के लेकर जाते हैं तो और भी कई चीज़ों के ये काम आता है ठीक है होप यू अंडरस्टैंड बेटा ठीक है कल जो दो रह गए कैश क्रॉप्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू बेटा